आज हम आपके लिए लेके आए हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने ये 3 किलो गाजर ले लिए हैं। ये हमने धो के अच्छे से छील लिए हैं। छीलने के बाद हम इनको ग्रेट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको ग्रेट करना। यहाँ पे हमने एक प्लेट ले ली है, यहाँ पे एक ग्रेटर ले लिया है और ये हम इस तरीके से इनको कस लेंगे। गाजर हमने सभी कस लिए हैं। चलिए इसको एक कढ़ाई में डाल लेते हैं। हमने सारी गाजर एक कढ़ाई में डाल ली है। गैस का फ्लेम हमने चालू कर लिया है और मैं इसमें आधी किलो डालूंगी। 3 किलो गाजर में आधी किलो हमने चीनी डाल दी है। आज हम गाजर दूध में नहीं भूनेंगे, आज हम गाजर चीनी में भूनेंगे। इससे हमारा टाइम भी कम लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। चीनी को हम गाजर के साथ मिक्स कर लेंगे। चीनी हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब ये चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी और इसको हम कम से कम आधे घंटे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे गाजरों को। इतने हमारी गाजर पकती हैं, इतने हम दूध का मावा निकाल लेते हैं। ये मैंने 3 किलो दूध लिया था। हमारी 3 किलो ही गाजर है, 3 किलो ही दूध है। ये हमारा मावा बन के तैयार हो चुका है। देखिए हमें इस तरीके से रखना है। ये गाजर के हलवे में मिलाएंगे ये तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। गाजर हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है। इसमें अभी चीनी का पानी बाकी है इसलिए हमें इसको और पकाना है। जब तक ये हमारा चीनी का पानी सूख नहीं जाएगा जब तक हम इसको पकाते रहेंगे। पानी हमारा अच्छे से सूख चुका है, गाजर भी हमारे अच्छे से पक चुकी है। अब ये हम मावा इसमें मिला देंगे। अब इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। मावा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, हलवा बनके हमारा तैयार हो गया है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। यह हमने एक कटोरी में हलवा निकाल के रख लिया है। अब ऊपर से हम डालेंगे इस पे ड्राई फ्रूट, हम डालेंगे इस पे पिस्ता और बादाम। गाजर का हलवा बनके तैयार हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।